मोनू सर यू कहां से कॉल है अभी आपको? फ्रॉम वेयर यू गॉट द कॉल? आईआईटी मद्रास सर. कौन सा डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट? मैकेनिकल डिपार्टमेंट है. यस सर. अपने क्रेडेंशियल बताओ मोनू मेरे को, आपका सीजीपीए, गेट स्कोर एटसेट्रा. 625 गेट स्कोर मैकेनिकल. 625 है? यस. 7.6 एंड सीजीपीए 7.64. ओके. कैटेगरी ईडब्ल्यूएस. ईडब्ल्यूएस. ओके. सो अभी आप डिजाइन के लिए जा रहे हो वहां पे, राइट? यस सर. ओके. सो हैव यू गॉन थ्रू डिजाइन सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली? यस सर. आपका प्रोजेक्ट डिजाइन में तो नहीं है? नो सर. नो. ओके. सो देखो डिजाइन में आई स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ये दो सब्जेक्ट्स का मैं अभी स्नैप ले रहा हूं आपके साथ. एंड गो विद सकलानी सर फ्रॉम मशीन डिजाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन आल्सो. सकलानी सर विल गो विद द मशीन डिजाइन थ्योरी ऑफ मशीन एंड जगजीत सर विल गो विद थ्योरी ऑफ मशीन एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, राइट? ओके. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. आपने प्योर बेंडिंग सुना है? देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग. यस यस सर. किसको बोलते हैं सर? इन प्योर बेंडिंग वेयर शियर फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग. ओके. कोई एग्जांपल दे सकते हो सिंपली सपोर्टेड बीम में? सिंपली सपोर्टेड बीम टू इक्वल लोड, इक्वल इंटेंसिटी लोड. सो डायग्राम बनाओ मोनू. डायग्राम बनाओ. डायग्राम बना के मेरे को दिखाओ. सर दिस आगे लाओ. हाँ सही है. तो ये बी और सी के बीच में सिंपल सिंपल प्योर लोडिंग है, राइट? फ्रॉम बी और सी. यस सर. ओके. अच्छा बेंडिंग इक्वेशन याद है सिंपल बेंडिंग का? यस सर. हाँ लिखो. कैन आई शो? यस सर. वैसे हाँ दिखा दो कोई बात नहीं. ओके. अब इस बेंडिंग इक्वेशन को बनाने के पीछे जो अजम्पशंस हैं वो बताओ. व्हाट आर द अजम्पशंस यू हैव टेकन? मटेरियल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड मटेरियल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक. सेकंड अजम्पशन इज इलास्टिक. ये प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिमेन कांस्टेंट इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन. सेकंड. थर्ड इज प्लेन रिमेन प्लेन आफ्टर बिफोर द लोडिंग. कौन सा प्लेन? Which plane? Cross section plane. That is called transverse plane. Transverse plane, yes sir. Hmm. And the fourth assumption is transverse plane always perpendicular to the normal neutral axis. Always, even during bending. Yes, during okay. bending. Okay. And yes, there is four of. You are missing one. I think two most important things. The beam should be straight initially. Yes, yes. And you have not mentioned about the elasticity of the homogeneous or isotropic. Bol diya. Material should be elastic also. Yes, sir. I forgot that. That is the most important part. Yes. Anyhow, ab is equation ke andar, is equation ke andar, mere ko batao section modulus kya cheez hai? Section modulus strength ke upar baat karta hai. Aur hota kya? Section modulus, what is section modulus? I upon y maximum. Okay. इसका significance बताओ. Significance ये है सर कि if अगर अपने को कोई beam अपने को design करनी है, अगर उस beam के अगर अपने को material property पता है तो अपन उसके strength के बारे में पता होगा. उस material की strength अपने table में पता रहेगा. तो उस strength की हेल्प से अपन कितना moment वो resist कर सकता है वो अपन find कर सकते हैं. अगर ज्यादा moment of resistance ज्यादा चाहिए तो section modulus ज्यादा होना चाहिए. This is the relation. Can you tell me some shapes in which Z is very high? Section modulus is very high. Okay, okay. In rectangular, square, and circle, there is rectangle section modulus is more than square, and square section modulus more than circular section. I forgot one. अच्छा आई सेक्शन के बारे में सुना है? गर्डर के बारे में? आई सेक्शन सेक्शन मॉड्यूलस इज हाईएस्ट कंपेयर टू. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? व्हाई आई सेक्शन
Because in I section module moment of inertia is more because the mass is away from the central axis. Okay, घर में beam देखा है क्या आपने मोनू? Yes sir. Have you seen beam? Yes sir. कैसी shape होती है उसकी? Rectangular. Rectangular नहीं मतलब width और height. Width बड़ी होती है height बड़ी होती है? height क्यों more. क्यों बिकॉज सर जो नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस है एट डिस्टेंस मैक्सिमम पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होती है. ओके सो अगर अपन ने एक बीम बनाई सर आई विल शो यू डायग्राम. So in both section, in both diagram, this one and second. ठीक है. कौनसा second वाला है क्या? Second वाला. Yes sir. Because in the second, I will be more. Okay. ठीक है. उससे क्या होगा? I अगर I ज़्यादा होगा उससे क्या होगा? I ज़्यादा होगा तो section modulus will be more. Okay. And beam will be strong. Yes. अच्छा जो कॉलम है उसकी शेप क्या होती है? कॉलम की शेप रेक्टेंगुलर लाइक आपने सर्कुलर सेक्शन के कॉलम देखे हैं? यस यस और बीम देखी है सर्कुलर? सर्कुलर बीम नहीं देखे सर. तो ये कॉलम सर्कुलर क्यों बनाते हैं? रेक्टेंगुलर तो नहीं बनाते या तो स्क्वायर बनाते हैं या सर्कुलर बनाते हैं क्यों? सेम कॉलम देयर इज अ कंप्रेसिव लोड देयर. ठीक है. ड्यू टू कंप्रेशन देयर इज अ बीम. सेम सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं क्या कॉलम में? नो सर. कॉलम में भी डील विद क्रिटिकल. क्यों नहीं निकालते? बिकॉज़ इन कॉलम सर देयर इज अ बेंडिंग स्ट्रेस सॉरी बकलिंग स्ट्रेस. नो आई गेस. Can you tell me the direction in which beam will bend? Direction in which the beam can bend? Yes, it will bend like this. And now column ki direction to kaise bend hoga column? Kis direction mein bend hoga? Yes. Dusri taraf nahi ho sakta hai kya? यस यस हो सकता है ना सर. वो डिपेंड करेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है. जिधर टेंसाइल जो कॉलम होता है वो टेंसाइल की वजह से फेल होता है. और तो कॉलम टेंसाइल की वजह से फेल होता है या क्रशिंग की वजह से? आपने तो कंप्रेसिव लोड लगा रखा है कॉलम पे. क्रशिंग. कॉलम कैसे फेल होता है? बीम कैसे फेल होती है? ओके सर कॉलम यस यस आई अंडरस्टैंड सर. कॉलम it will fail due to compressive load because there is a compressive load and if it bend there is a in inner side there is a compressive load also so it will fail due to compressive column. And beam fail bending there is a bending so bending stresses kaun si stresses hoti hai? Normal stress. Haan to kaun si tensile compressive तो बेंडिंग स्ट्रेस ये डिपेंड करता है ना अगर वो हैगिंग या सोगिंग सेगिंग या हैगिंग मोमेंट के डिपेंड करता है. टेंसाइल भी हो सकता है कंप्रेसिव भी हो सकता है. वन साइड इन टेंशन है अदर साइड इन कंप्रेशन. वो कंप्रेशन से फेल होगा या टेंसाइल से फेल होगा बीम?
मैक्सिमम मोमेंट अच्छा डू यू नो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन यस इट इज अ पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज इट्स साइन कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ लोडिंग इन विच पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज फॉर्म सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ मोमेंट इससे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बनेगा यस आई विल So the direction will be opposite. 2m direction will be opposite. ये 2m की direction opposite होगी तब वो point of diagram बनाओ bending moment diagram बनाओ सर ये bm यहाँ पे सेंटर में जहां पर तुमने बना रखा है BMD यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है क्या यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होता सर बेंडिंग मोमेंट सेम साइन चेंज करता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है जहां पे साइन चेंज करता है या जहां जीरो होता है ये डिपेंड करे ये दोनों केस में होता है जहां पे साइन चेंज करता है वहां पे भी कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है या जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है वो पॉइंट भी आर यू श्योर यस यस सर There is another example. अच्छा एक fixed beam लो और उसके center में point load लगाओ. Fixed beam के center में point load लगाओ. अब उसका yes. BMD बनाओ. Make the BMD of that. What do you know about collision? Collision. When large load for small time के लिए एक दूसरे से टकराते हैं. वो तो impulse होता है. वो तो impulse होता है. Large load क्यों टकराते हैं? एक carom board की अगर एक पीस दूसरे पीस से टकराता है कोलिजन नहीं क्या कौन सा प्रिंसिपल कौन सा क्या कंजर्वेशन होता है उसमें कोलिजन में व्हाट रिमेंस कंजर्व्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन सर देयर इज अनदर लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन आल्सो बी देयर अच्छा अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो क्या उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा सर डिपेंड करता है कि वो बॉडी मूव कर रही है या वो हिंज है या फिक्स है ओके अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है बॉडी मूव नहीं कर रही है सर बॉडी मूव नहीं कर रही फिर भी वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको तो ओवरकम करना ही पड़ेगा तो या तो फ्रिक्शन अच्छा अगर मैं तुम्हें एक बैलून दे दूं जिसके अंदर हवा भरी हुई है उसको तुमने फोर्स लगाई उससे क्या होगा अंदर प्रेशर बढ़ेगा यस वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज होगा बैलून पे लगाया कभी फोर्स तुमने यस यस वॉल्यूम डिक्रीज होता है सर वो जब तक अपन अप्लाई करते रहते तब तक उसको अगर इफ वी रिमूव द लोड देन दूसरी जगह से एक्सपेंड नहीं हो जाता एक जगह से कंप्रेस होता है दूसरी जगह से फैल जाता है बैलून देखा नहीं आपने यस yes, बैलून का गला दबाओगे तो बैलून फैल जाएगा राइट यस सर तो फिर क्या होता है उसमें जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसका क्या एनालिसिस है बैलून का क्या हो रहा है उस टाइम कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बॉडीज यस सर रिजिड बॉडी फ्लेक्सिबल बॉडी क्या डिफरेंस है
सेम रिजिड बॉडी देर इज ओनली एक्चुअली सर मैंने मैकेनिक्स थोड़ा वीक है, मैंने मैकेनिक्स अभी प्रिपेयर नहीं करा था. आर यू कंफर्टेबल विद इंजीनियरिंग दिस मैकेनिकल वाइब्रेशन? यस सर. रेजोनेंस के बारे में बताओ कुछ. रेजोनेंस इज द कंडीशन एट विच एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम एंड द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. व्हाट इज एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी? एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज द रनिंग स्पीड. आप when unbalanced force will be there is a if koi shaft ghum rahi hai like koi bhi shaft ghum rahi hai to wo uski acceleration frequency ho jayegi. ab koi example do mere ko resonance ka ghar mein. ghar mein म्यूजिक लगाते हो तो घर की दीवारें वाइब्रेट नहीं करती? अगर जोर जोर से म्यूजिक लगाओगे विंडो पेन्स शीशे वीशे रेजोनेंस ही तो है. और कोई मशीन चला रखी है अगर आपने वहां पे कोई चीज पड़ी है वो बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी राइट. वॉशिंग मशीन के ऊपर कोई चीज रख दो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके बहुत जोर से वाइब्रेट करेगा राइट. यस सर. ओके मोनू लेट मी गिव यू फीडबैक. देखो आपने किया तो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवाइज किया है लेकिन कई जगह गलती कर जा रहे हो. जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का जो तुम एग्जांपल दे रहे थे वो गलत था. वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो भी होना चाहिए और साइन भी चेंज होना चाहिए. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फिक्स बीम ले लोगे अगर और उसमें पॉइंट लोड लगाओगे तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम let me give you what kind of diagram you will get it. fixed beam mein jo fixed ends hai wahan pe bending resistance induce ho jayega right. yes yes bending resistance induce ho jayega aur wo equal hoga. is tarike ka diagram banega if you can see. I don't know whether you can see it carefully. yes sir. yes sir. dekhiye yes kitne point of contraflexion nazar aa rahe hain tumhe? तो सिग्मा भी साइन चेंज करेगा. सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस है टेंसाइल टू कंप्रेसिव कंप्रेसिव टू टेंसाइल हो जाएगा. और हमें वहां रेनफोर्समेंट देनी पड़ती है स्टील की. स्टील इज गुड इन टेंसाइल लोडिंग एंड कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेसिव लोडिंग. फिर मैंने आपसे बीम में पूछा था तो बीम किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो सकता है इसलिए बीम का हम सेक्शन मॉडुलस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें. व्हाई? बिकॉज़ बीम में किसी भी तरफ को बेंड हो सकता है इसलिए हम जो शेप है वो यूनिफॉर्म बनाते हैं या तो सर्कुलर बनाते हैं या स्क्वायर सेक्शन बनाते हैं. फिर मैंने आपसे कोलिजन वगैरह के बारे में पूछा था तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने रिवाइज नहीं किया. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में से भी क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ सकता है. मैकेनिकल वाइब्रेशन वगैरह में से वो पूछ सकता है. इंजीनियरिंग इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो. बेसिक्स आते हैं लेकिन कई जगह कंफ्यूज हो रहे हो तो सोच के आंसर करना है वहां पे. एक्चुअली आई वॉच योर वीडियो. हाँ तो उसमें तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. मैंने वो रिवाइज नहीं हो पाया एक्चुअली. मैं कोई लगा वो जो 7 घंटे का वीडियो है ना मोनू. यस सर. उसको कम से कम 7 बार देखना पड़ेगा तब अंदर जाएगा अच्छे तरीके से. नहीं सर मैंने नोट्स बनाए. यस मैंने नोट्स बनाए हैं उनको पर रिवाइज शायद. मैं तुम्हें बताता हूँ जो बहुत बेसिक क्वेश्चन कहाँ गलत मार गए तुम. एक तो बेंडिंग इक्वेशन के अजम्पशंस में गलती मार गए. यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरा तुम गलती मार गए सेक्शन मॉडुलस कॉलम की. Yes. तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन गलती मार गए. Yes, वो तुम नहीं बता पाए राइट. रिजिड बॉडी फ्लेक्सिबल बॉडी ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है. रिजिड बॉडी होती है इसकी शेप चेंज नहीं होती. फोर्स लगाए तो शेप चेंज नहीं होती. न्यूटन्स लॉ उसी के ऊपर लगते हैं. अब मैं अगर तुम्हें एक पिल्लो दे दूं और मैं उसको बोलूँ की फोर्स लगाओ तो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी. पिल्लो चाहे मूव नहीं कर रहा है वो पिल्लो होता है ना सराहना जो जिसको बोलते हैं. पिल्लो रख और उस पर फोर्स लगा तो स्ट्रेस थोड़ी इंड्यूस होगी क्योंकि वो बॉडी क्या है फ्लेक्सिबल बॉडी है वो.
राइट, मैंने ये मैंने अपने बालों पे फोर्स लगा दी, राइट, कपड़े पे फोर्स लगा दी, तो इसमें स्ट्रेस थोड़ी इंड्यूस हो रही क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉडी है ये, तो रिजिड बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होता है, रेजिस्ट करता है ना वो. यस सर. तो अकॉर्डिंगली ये चीज आपका था. तो कोई बेसिक बेसिक जो मैं गलती कर रहे हो मोनू, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो रिविजन से आएगा. Okay. मतलब ये कि अभी तैयारी थोड़ी कम है, और वो वीडियो देख ले बस 7 घंटे का. Okay. अभी इतना ही टाइम है अपने पास, राइट. Okay. और उनको जाके बोल भी देना सर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फेवरेट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेन सब्जेक्ट है, वहीं से पूछ लेंगे वो. ओके राइट मोनू. ओके ओके चलो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर.